आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोहल्मेट अनबॉक्सिंग और मेरा नाम है हिमांशु प्रजापति। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी वीडियो तो मैं रोज ही लाता हूँ लेकिन आज थोड़ी अनोखी वीडियो है और थोड़ी अच्छी भी वीडियो होगी क्योंकि आज मैं लाया हूँ आपके सामने एक पोर्टेबल स्पीकर वो कम बजट में और अच्छी क्वालिटी में और डुअल स्पीकर है। ठीक है, हमने बहुत स्पीकर देखे हैं जैसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं नॉर्मल कम बजट प्राइस में A005 होता है A006 होता है, ये मॉडल नंबर है इनके स्पीकरों के, लेकिन मैं उसी की तरह है लेकिन जो मेरे पास है वो ब्रांड में है A006 का ब्रांड में है, OUD ब्रांड में है और अच्छी क्वालिटी में है और ये आपको हमारे शॉप पर अवेलेबल है। आप कभी विजिट करके खरीद सकते हो इसे ₹50 में और ₹650 खरीदेंगे तो अच्छी क्वालिटी में आपको इसका साउंड टेस्ट भी कराऊंगा, अपना रिव्यू दूंगा और मैं इसे पर्सनल खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको वीडियो में आके दिखाऊंगा, मैं सब पर्सनल खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, साउंड टेस्ट कराऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको। मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये स्पीकर, देखो ये स्पीकर OUD का देख रहे हो कैसा लग रहा है स्पीकर, देख रहे हो अच्छा लग रहा है स्पीकर। आपको ऐसा ही स्पीकर मिलेगा A006 से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे अपनी वीडियो में, एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और क्वालिटी देखना आप, साउंड की क्वालिटी खुद ही क्या होगी भाई, बहुत बढ़िया स्पीकर, पोर्टेबल स्पीकर है। तो मेरे रहते 6 घंटे बैटरी बैकअप दिखा, लेकिन 6 घंटे एक्चुअल में नहीं है, मैं नहीं कहूँगा 6 घंटे है ही एक्चुअल में, ये आपका 4 घंटे लगातार चलेगा और अगर कम आवाज़ में आप चलाओगे तो इसे और अच्छा चलेगा आपका ये स्पीकर, अगर कम आवाज़ में चलाते हो तो। वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम कैसे आप बढ़ाओगे घटाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, और इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक और अब बीच में स्किप ना करिए, तभी आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। और मैं आपको और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप मेरी शॉप पर 7 डेज ओपन रहती है, मेरी शॉप सेवन डेज ओपन रहती है, आप कभी विजिट कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट मोबाइल एक्सेसरी से रिलेटेड आप खरीद सकते हैं। और चलिए और हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं ये स्पीकर की आवाज़, ये OUD जो स्पीकर है इसकी आवाज़ क्वालिटी चेक करेंगे, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको, आप इसे खरीद सकते हो या नहीं, खरीदना अच्छा है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो अपना खुद एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो आप ये कहूँगा आप खरीद सकते हो इस स्पीकर को कभी भी कहीं भी, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। OUD कोई स्पीकर कोई बेचता ही नहीं है, दिल्ली में तो बहुत कम बेचते हैं, लेकिन मेरी शॉप पर आपको अवेलेबल मिलेगा छोटे स्पीकर बड़े स्पीकर भी। आपको मैं और नई वीडियो दिखाऊँगा, आप पहले इस स्पीकर की आवाज़ सुनिए। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या आवाज़ क्वालिटी है, चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग, चलिए आइए मेरे साथ अनबॉक्सिंग। चलिए गाइस हम इसकी करते हैं अब अनबॉक्सिंग, देखते हैं पहले हम इसके ऊपर जो लिखा है हम वो पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है थोड़ा आप पास कर लेता हूँ आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसमें लिखा है OUD ब्रांड का है, पोर्टेबल स्पीकर है और 6 घंटे बैटरी टाइप है, 6 घंटे तक आप लगातार चला सकते हो। ठीक है, लेकिन 6 घंटे नहीं चल पाता है, मैंने इसे चला के देखा है 6 घंटे नहीं चल पाता है, ये आपका 4 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे तक दे देगा और अच्छी बेस में, और मेगा बेस लिखा है, USB TF मेमोरी SD कार्ड और कार्ड स्पीकर लगा सकते हो, और इसमें लिखा है पावर साउंड है और ये लिखा है A2DP स्टूडियो, और देखिए जैसा इसमें लिखा है पूरी तरफ वो नहीं हो पाता है, इसमें TWS लिखा कनेक्टिविटी लिखी है और वायरलेस लिखा है, डुअल स्पीकर है, ये डुअल स्पीकर तो है ही, इसमें FM भी है और USB डिस्क भी लगती है और TP कार्ड भी लगता है, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, हैंड फ्री देखिए इसे, इसमें लिखा है, थोड़ा पास करके दिखाता हूँ क्या क्या लिखा है, देखिए हैंड फ्री कॉलिंग भी है और ऑक्स भी लग सकती है, लेकिन इसमें ऑक्स का ऑप्शन नहीं दे रखा गाइस, इसमें ऑक्स का ऑप्शन नहीं दे रखा है, और पीछे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ऐसा साइड में इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें हाइट वेट लिखी है, इसमें लिखा है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, डायमीटर है इसका 195 mm और हाइट है 60 mm, मेन कलर की इसमें ये आपको इन कलर में मिल जाएगा, जो मेरे पास वेरिएंट है वो ब्लू कलर में है, अब ग्रीन ब्लैक ब्लू रेड ग्रे में मिल जाएगा, चार्जिंग लाइन एक 1 PC एक ही चार्ज होता है और प्लास्टिक और आयरन मैश है, प्लास्टिक से बना हुआ पूरा, ठीक है, और वायरलेस डिस्टेंस कितना है 10 मीटर तक करता है और बैटरी कैपेसिटी 2200 mAh की है, काफ़ी चल जाती है, मैंने खुद यूज़ करा अच्छा लगा मेरे को तो। और ये देखिए इसमें आउटपुट ये दे रखा है पावर,
5 वोल्ट, ठीक है 5 वोल्ट का है डुएक्स। और आप कभी भी अगर ये स्पीकर लो, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 1 एम्पीयर से चार्ज करना, 2 एम्पीयर से चार्ज मत करना। इसका कारण ये है कि क्योंकि जो पोर्टेबल स्पीकर या नेक बैंड होते हैं 1 एम्पीयर तक ही सपोर्ट करते हैं, 2 एम्पीयर से इसकी बैटरी लाइफ, इनकी जो बैटरी लाइफ होती है ना, धीरे धीरे कम होने लगती है और थोड़े टाइम तक ख़राब हो जाती है। इसलिए आप कभी भी यूज़ करें 1 एम्पीयर का चार्जर यूज़ करना है, चाहे बेशक कोई से ही ब्रांड का यूज़ कर लें, लेकिन 1 एम्पीयर का चार्जर यूज़ करना आपकी कोशिश पहले ये रहनी चाहिए, 1 एम्पीयर चार्जर यूज़ करें, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा, चलिए हम करें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके पहले अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फाड़ दिया मैंने, देखते हैं जरा हम। ये है पोर्टेबल स्पीकर, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये हम देखते हैं जरा, इसको निकालते हैं। इसमें ऐसा और क्या है, इसमें और ये केबल है एक, देखते हैं साइड कर लेते हैं, बाकी साइड हो जा, तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये केबल है हमारी एक, और ये हमारा है स्पीकर, कंचे की तरह चमक रहा, कंचे की तरह, ये देखिए, हा 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 हा, ओ थोड़ा उल्टा है, ये देखिए, हा 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 हा। कैसा लगा गाइस आपको ये स्पीकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, ये स्पीकर आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए कैसा लगा गाइस, अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम अपना स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, ये मोबाइल के लिए है, इसमें यहाँ पे एफएम के लिए चेंज करते हैं, इसमें लाइटिंग भी है, लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सारा प्रॉपर यूज़ करके दिखाऊंगा इसको, आप कहीं मत जाना मेरे साथ वीडियो तक, एंड शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, बने रहो। मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहूँगा इसमें, ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसमें देखा है, ये चार्जिंग है इसमें दिखाओ, DC 5 वोल्ट तो सपोर्ट करता है, और ये अपना ये दे रखा है USB, और अपना देखा MicroSTTP, ठीक है। चलिए हम आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, और इसमें अब देखिए दे रखा है लाइटिंग के लिए, अगर जब हम ऑन करेंगे ना, अभी ऑन करके भी दिखाऊंगा आपको, इसमें लाइट जलेगी तो अलग से डिस्को वाली फीलिंग आएगी, जैसे डिस्को लाइट में जलती लाइट, इसमें लाइटें कई तरह की होती है, वो आपको अंधेरे में दिखाऊंगा मैं चला के, इसको अंधेरे में क्या चलता है, अंधेरे में और अच्छा लगता है चलने में, ऐसे कहता है डिस्को लाइट जल रही है। और ये देखिए, और ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का है, और ये आपको ये कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं इसको, आप कहीं पे भी। और ये छोटी केबल देख लेते हैं जरा क्या है, केबल भी देखिए, केबल देखिए, खोल लेते हैं जरा केबल भी, केबल खोल लेते हैं जरा इसकी क्या है, केबल भी देखिए, केबल खोल लेते हैं हम, केबल में ऐसा क्या है, केबल तो ये 2-in-1 है, जैसे कि आप देखते हैं 2-in-1 है, आप इससे चार्ज कर सकते हो। और ये भी देखो ऑक्स की दे रखी है, लेकिन ऑक्स में है ही नहीं, तो ये ऑक्स का दे क्यों रखा है ये समझ नहीं आया गाइस मुझे चलो कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता रहता है चाइना में, तो ऐसा होता रहता है, चाइना के लोग होते ऐसे थोड़े से। और ये देखते हैं जरा, कुछ नहीं केबल में तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है गाइस, साइड रखते हैं इसको, ठीक है गाइस हम इसे चला के देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। वेलकम टू OED, लेट्स चेंज द वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड। गाइस आप देख रहे हो उसकी आवाज़, और इसमें लाइट भी जल रही है, अब इसे यहाँ से लाइट से हम चेंज भी कर सकते हैं, आपको दिखेगी नहीं, आपको मैं भी दिखाता हूँ, पहले आप उसका साउंड प्ले करके दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है इसमें। चलिए हम इसका साउंड प्ले करते हैं, इसका हम अपना फ़ोन से कनेक्ट करते हैं जरा, हम साउंड देखते हैं फिर इसका। ब्लूटूथ मोड दिखा रहा है, ये आ गया इसका ODBT 578 FM, ये इसका मॉडल नंबर है, इसे हम क्लिक करेंगे पेयरिंग हो जाएगा, कनेक्टेड हो गया। अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं जरा हम, कोई सा भी यूज कर लेते हैं। गाइस साउंड देख रहे हो, साउंड क्वालिटी देख रहे हो गाइस, अब चेंज करते हैं जरा, पहले वॉल्यूम चेंज कर दिया गाइस, देखिए Thank you.
गाइस बताना जरूर कमेंट करके कैसा लगा। गाइस कैसा लगा, मुझे तो मज़ा आ गया बात सुनिए। गाइस ऐसा स्पीकर हो सकता है इतने कम बजट में, आपका अराउंड ये 650 का है, आप 650 का परचेज कर सकते हो। मैंने तो अपना 650 का परचेज करा, अपनी मोस्ट महंगा है 800-900 के आसपास का आई थिंक। ठीक है चलिए हम इसे अब अंधेरे में यूज़ करते हैं, जैसे लाइट जब चली जाती है कैसा लगता है। चलिए हम इसे अंधेरे में यूज़ करें, चलिए इसको साइड करते हैं, जरा हम अंधेरे में यूज़ करते हैं। मज़ा आ रहा गाइस, डांस करने का मन कर रहा है लेकिन कर नहीं सकते, आपको दिखेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसे यूज़ करके देखते हैं अंधेरे में। गाइस अब जैसे कि अंधेरे में देख सकते हो कैसा लग रहा है, इसे लग रहा है ना कुछ धांसू चीज। गाइस अब इसमें देखते हैं, अंधेरा हो गया एकदम से, अब मैं लाइट चेंजिंग करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए गाइस साउंड के साथ इसमें लाइट जलती है, जैसे देखिए ये करा साउंड प्ले। इस सारे मॉडल में यह तो वाइटिंग की है, वाइटिंग कर सकते हैं। गाइस आपको साउंड कैसा लगा मेरे इस स्पीकर का, OUD ब्रांड का। गाइस इसमें वेट इतना है, जैसा कि मैंने मेंशन करा था, वेट भी इसमें अच्छा है ठीक है। और ये जो A006 आता है उसकी तरह ही है सेम, लेकिन साउंड क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में, बैटरी बैकअप में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने अगर A006 सुना होगा तो आप भूल जाओगे इसके वो लेने के बाद, OUD की ब्रांड को। मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको आगे रखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ, मेरे पास खुद एक और है, जैसे कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए एक और है मेरे पास, ये मैं खुद पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, और आवाज़ तो भूल लो। एक रूम के लिए तो ऐसा है, मैं आपको सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकता, इसमें ना कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ। तो खुद मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को अच्छी नहीं लगी थी इसलिए मैंने निकाल के बाहर फेंक दी, इससे कोई दिक्कत होती थी, गिरने का डर रहता था, लेकिन इससे ठीक लगा, इसे निकाल के बाहर फेंक दी। ये देखिए मैं खुद ही का इसको खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप खरीद सकते हो इसे, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, गाइस इसे मैं आप साइड रखता हूँ। गाइस मैं अगर आपको ये अच्छी अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ तो आपको लाइक करना बनता है। गाइस प्लीज़ लाइक करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, अपने जो नियर बाय जितने भी है सब में शेयर करिए। मैं आपको एक से बढ़ के एक वीडियो दिखाऊँगा अपने इस वॉलमार्ट अनबॉक्सिंग चैनल पर, ठीक है। चलिए गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, मैंने आपको अपना ये दिखाया, एक OUD स्पीकर दिखाया आपको रेड कलर का, आपको कैसा लगा और मैं आपको वीडियो कैसी लगी आप ये जरूर बताना, मेरे कमेंट करके जरूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आपको।
और ये स्पीकर, जैसे कि ये देख रहे स्पीकर, इसकी आवाज़ कैसे लगी है ना धमाकेदार। तो गाइस गाइस धमाकेदार आवाज़ लगी नहीं लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है, मैं एक साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ और बैटरी बैकअप भी औसम है। एक साल तक सस्ते में और क्या लोगे आप, बहुत ही चीप प्राइस में इससे अच्छा आपको पोर्टेबल स्पीकर नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्पीकर के बारे में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है। वैसे चलाने बहुत मजा आती है, एक रूम के लिए तो बहुत इनफ है। तो साउंड टेस्ट करके दिखाया मैंने, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा मैंने आपको। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और मैं फिर हाजिर रहूँगा एक और नई वीडियो साथ में। जय हिंद, बाय बाय।